गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, हमारी कल की वीडियो में हमने मैथिली शरणगुप्त के जीवन परिचय के बारे में जाना, यानी मैथिली शरणगुप्त का जन्म कब हुआ, उनकी मृत्यु कब हुई, उन्होंने अपने जीवन काल में क्या क्या किया, उनकी काव्य रचनाएं एवं उनकी साहित्यिक यात्रा के बारे में जाना। आज हम मैथिली शरणगुप्त की काव्य रचना है साकेत। साकेत का एक भाग है चित्रकूट में राजसभा। चित्रकूट में राजसभा की हमें हमारे पाठ्यक्रम के अनुसार व्याख्या करनी है, और इसी से संबंधित प्रश्न बनता है हमारे कि चित्रकूट में राजसभा की कथा का मूल मंतव्य क्या है, या चित्रकूट में राजसभा का महत्व समझाइए, यानी जो चित्रकूट में राजसभा हुई उसका महत्व क्या है एवं उसकी कथा का मैथिली शरणगुप्त का मूल मंतव्य क्या है, वो आज हमें पढ़ना है। जैसा कि हम जानते हैं, मैथिली शरणगुप्त द्विवेदी युग के सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय कवि हैं। उन्होंने भारतीय इतिहास एवं पुराण की मुख्य घटनाओं, पात्रों को लेकर साकेत, भारत भारती, जय भारत, जयद्रथ वध, रंग में भंग, पंचवटी, यशोधरा, द्वापर, गुरुकुल, मेघनाथ वध इत्यादि रचनाओं का निर्माण किया। हालांकि इनके काव्य की मूल चेतना राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना रही, किंतु समाज सेवा, प्रकृति चित्रण, भाव एवं रस निरूपण इत्यादि चेतनाएँ भी इनके काव्य के अंदर हमें मिलती हैं। साकेत इनकी रचना जो है वो राम काव्य के ऊपर आधारित महाकाव्य है, राम के जीवन के ऊपर आधारित महाकाव्य है। साकेत मैथिली शरणगुप्त की ख्याति को राम भक्ति भावना के साथ में फैलाने वाली महाकाव्यात्मक रचना है। राम कथा को आधार बनाकर लिखा गया यह महाकाव्य राम काव्य की उपेक्षित पात्र उर्मिला के चरित्र की उज्ज्वलता को हमारे सामने रखता है। इसके 8वें सर्ग में चित्रकूट में राजसभा का आयोजन होता है, जहां वनवासी श्री राम, लक्ष्मण तथा सीता और अयोध्यावासी भरत, कैकेयी, सुमित्रा, कौशल्या, विश्वामित्र एवं राजा के मंत्री एक साथ बैठकर विविध समस्याओं का समाधान करते हैं। चित्रकूट की राजसभा का महत्व या चित्रकूट की राजसभा का मूल मंतव्य जो है वो हम निम्नलिखित बिंदुओं से समझ सकते हैं। भरत की आत्मग्लानी एवं भ्रातृत्व भावना। भरत राम के वनवास का मूल कारण स्वयं को मानता है, क्योंकि उसी के कारण मां कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास दिलाया। भरत को इस बात का दुख है कि श्री राम का राज्य पाकर भी वह श्री राम को सुख न दे पाया और अयोध्या का भरा पूरा परिवार खंड खंड हो गया। अतः चित्रकूट की राजसभा में भरत की निर्लोभी वृत्ति, आत्मग्लानी एवं भ्रातृत्व भावना उत्कृष्ट रूप में प्रकट हुई है। अतः वह चाहता है कि इस पश्चाताप के लिए श्री राम अयोध्या जाकर साम्राज्य संभाले और वह वनवास में रहकर उनके प्रण को निभाए। इसके अलावा उसके मन में कोई भी इच्छा शेष नहीं है। श्री राम के प्रति भरत की श्रद्धा भावना अप्रतिम है। वह एक भक्त की भांति राम की सेवा करना चाहता है। उन्हें अपने स्वयं की काया का कोई मोह नहीं है। भ्रातृत्व के आगे वह सब कुछ त्यागने को तैयार है। मर्यादावादी भरत अनुग्रहित भी है। वह राम की चरण पादुकाओं को लेकर ही इस कठिन अवधि को पार करना चाहता है। दूसरा जो महत्व है या मूल मंतव्य है मैथिली शरणगुप्त का, वो है राम की शीलता एवं वचन प्रतिबद्धता, यानी राम की शीलता एवं वचन प्रतिबद्धता को पाठकों के समक्ष रखना। चित्रकूट की राजसभा में भरत एवं कैकेयी की आत्मग्लानी एवं पश्चाताप ही प्रकट नहीं हुआ है, अपितु श्री राम का शील, मर्यादित चरित्र, भ्रातृत्व भाव, माताओं के प्रति पूज्य भावना, रामत्व भी स्थान स्थान पर प्रकट हुआ है। श्री राम चतुर, व्यावहारिक, भ्रातृत्व भाव से भरे हुए सरल हृदयी मनुष्य हैं। वह भरत के समान श्रेष्ठ भाई को प्राप्त कर धन्य हो गए, परंतु इसका श्रेय उन्होंने ममतामयी माँ कैकेयी को दिया। वो कहते हैं,
सो बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। यानी यहाँ पर श्री राम जो हैं वो कैकेयी की पश्चाताप में जो कैकेयी जल रही है उसका कोई कसूर नहीं मानते हैं और कैकेयी को सम्मान देते हुए कहते हैं कि कैकेयी माँ ममतामयी माँ है जिन्होंने भरत जैसे भाई को जना, भरत जैसे पुत्र को जना। श्री राम अत्यधिक गंभीर एवं वचनों के प्रति कर्तव्य परायण है। वह वचन चातुर्य द्वारा कैकेयी व भरत द्वारा अयोध्या लूट चलने का आग्रह सहज ही टाल जाते हैं क्योंकि उन्हें अपना कर्तव्य निभाना है। और उनकी इन्हीं पंक्तियों को कविवर मैथिली शरण गुप्त कहते हैं, पर रघुकुल में जो वचन दिया जाता है लौटाकर वह कब कहाँ लिया जाता है। अपनी माताओं का अनुशासन तथा आदेश राम हृदय से स्वीकार करते हैं और वे माता कैकेयी से कहते हैं, सबके ऊपर आदेश तुम्हारा मैया, मैं अनुचर पूत सपूत प्यार का भैया। उसके बाद जो तीसरा प्रमुख मैथिली शरण गुप्त का लक्ष्य है या उनका मूल मंतव्य है, उद्देश्य है, वो है कैकेयी का पश्चाताप एवं मातृत्व परिष्करण पाठकों के समक्ष रखना। तो हमारा जो तीसरा बिंदु होगा वो होगा कैकेयी का पश्चाताप एवं मातृत्व परिष्करण। चित्रकूट की राजसभा में कैकेयी का पश्चाताप ही मुख्यतया प्रकट हुआ है। गुप्त जी का लक्ष्य भी परिस्थितियों से कलुषित कैकेयी के चरित्र का परिष्कार करना इस सभा में प्रधान रहा। कैकेयी श्री राम के 14 वर्ष के कष्टमय वनवास, पति दशरथ की मृत्यु, पुत्र भरत द्वारा अपने पति विद्रोह का मूल कारण अपने अहंकार, स्वाभिमान की रक्षार्थ राम के वनवास व भरत के राज्याभिषेक जैसे दो वचनों को मानती है। यानी इसके अंदर जो चित्रकूट की राजसभा है इसके अंदर कवि ने यह दिखाया है कि कैकेयी जो है वो श्री राम के 14 वर्ष के वनवास और अपने पति दशरथ की मृत्यु और पुत्र भरत का कैकेयी के प्रति जो विद्रोह है उसका मूल कारण अपने स्वयं के अहंकार को मानती है और जो राजा दशरथ ने दो वचन दिए थे कैकेयी को उन दो वचनों को मानती है। वह स्पष्टतः स्वीकार करती है कि राम के वनवास के लिए वही अपराधी है, उसका पुत्र, उसका पति और उसकी दासी मंथरा नहीं। कैकेयी यहाँ पर अपने स्पष्ट शब्दों में ये कहती है कि श्री राम को जो वनवास मिला है उसका कारण उसके पति दशरथ नहीं है, उसका पुत्र भरत नहीं है और ना ही उसकी दासी मंथरा है, बल्कि इसका कारण वह स्वयं है और वह स्वयं अपने स्वाभिमान की रक्षार्थ के लिए ये सब करती है। वह अत्यधिक विवश माँ है और अपनी गलती पर शर्मिंदा है, आत्मग्लानि की भावना में डूबी हुई है। वह अपना पश्चाताप प्रकट करती हुई कहती है, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुमसे। यानी कैकेयी कहती है कि मैंने जो कार्य किया है श्री राम को वनवास दिलवाने का जो कार्य किया है उसके लिए भले ही तीनों लोकों के लोग मेरे ऊपर थूके और जो कोई भी मुझसे कुछ भी कहना चाहे वो कह सकता है, लेकिन मैं भरत जैसे पुत्र का मातृपद नहीं खोना चाहती। वह श्री राम के आगे अपना पश्चाताप प्रकट करती है। गुप्त जी ने कैकेयी के स्वाभिमान को क्षत्रियत्व के अनुरूप बताकर उसका समर्थन किया है। वह बहुत कुछ कहना चाहती है परंतु श्री राम को अयोध्या लौटने का विनय की प्रधानता कर पाती है, तब भी है तुमसे विनय, लौट घर जाओ। यानी कैकेयी बहुत कुछ कहना चाहती है लेकिन अंत में वह यही कहती है कि हे श्री राम अब घर लौट चलो। उसके पश्चात मैथिली शरण गुप्त का जो अगला प्रमुख मंतव्य है, प्रमुख उद्देश्य या लक्ष्य है, साकेत के अंदर चित्रकूट की राजसभा का जो उन्होंने चित्रण किया है उसका अगला मूल मंतव्य या महत्व का जो बिंदु है वो है सामाजिक पारिवारिक मर्यादा। चित्रकूट की राजसभा का महत्व इस बात में है कि यह सभी राजनीतिक समस्या, राज्य आसन जैसी समस्याओं का समाधान तो करती ही है, सभी पात्रों के माध्यम से सामाजिक पारिवारिक मर्यादाओं आदर्शों का भी पालन करती है। श्री राम भरत से बड़े होकर भी उसका समुचित आदर करते हैं।
केकई राम कौशल्या भरत के प्रति अपना आदर भाव प्रकट करती है और अपना पश्चाताप प्रकट करती भी अमर्यादित नहीं होती है। भरत अत्यंत विनम्र भाव में अपनी आत्मग्लानि प्रकट करता राम से प्रार्थना करता है कि अयोध्या लौट चलें और वहां का शासन संभालें। सीता के प्रति भरत अनुग्रहित है और सीता का पद सेवी बना रहना चाहता है। सीता का पति प्रेम, देवर के प्रति सम्मान एवं माताओं के प्रति आदर भाव नवीन आदर्श की स्थापना करता है। अतः चित्रकूट की राजसभा में माता पुत्र, पति पत्नी, भाई भाई, देवर भाभी, गुरु शिष्य इत्यादि का एक दूसरे के प्रति आदर एवं आदर्श भाव प्रकट हुआ है। समाज को व्यवस्थित करने के लिए गुप्त जी ने रिश्तों को मर्यादापूर्ण ढंग से पालने की शिक्षा दी है। यानी इसके अंदर कवि का जो एक मुख्य उद्देश्य रहा है वो सामाजिक पारिवारिक मर्यादा बनाए रखने का भी रहा है। इसके अंदर हमें पता चलता है कि भरत अपने बड़े भ्राता श्री राम का कितना सम्मान करते हैं कि वो उस सम्मान के आगे राजा का पद जो है वो भी ठुकरा देते हैं। श्री राम अपने पिता को दिए हुए वचनों में इतने आबद्ध हैं कि वो भी राजकाज या राजा का पद है वो आसानी से ठुकरा देते हैं। सीता इतनी पतिव्रता नारी है कि राजमहल का सुख त्याग कर अपने पति के साथ वन में चली जाती है। लक्ष्मण का अपने भाई के प्रति प्रेम प्रकट हुआ है कि वह भी अपने भाई और भाभी की सेवा करने के लिए सब कुछ त्याग कर वन में चले जाते हैं। केकई का अपने पुत्र के प्रति अत्यधिक प्रेम प्रकट हुआ है। तो यहाँ पर सभी रिश्तों को मर्यादा में दिखाया गया है। इसके अंदर इन्होंने एक आदर्श की स्थापना की है कि माता और पुत्र का रिश्ता कैसा होना चाहिए, पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए, भाई भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, देवर भाभी का संबंध कैसा होना चाहिए, गुरु शिष्य का संबंध कैसा होना चाहिए। यानी यहाँ पर इन्होंने रिश्तों के आदर्श की बात की है कि जिससे समाज और परिवार के अंदर मर्यादा बनी रहे। तो समाज को व्यवस्थित करने के लिए गुप्त जी ने रिश्तों को मर्यादापूर्ण ढंग से पालने की इसके अंदर चित्रकूट की राजसभा के अंदर शिक्षा दी है। इस प्रकार चित्रकूट की राजसभा का मूल मंतव्य या चित्रकूट की राजसभा का महत्व स्पष्ट है कि इस सभा में केकई का पश्चाताप, आत्मपरिष्कार, भरत की आत्मग्लानी, भक्ति भावना, भ्रातृत्व प्रेम, श्रीराम का मर्यादित शील, भ्रातृभाव, वचनबद्धता व सीता की पतिप्रायणता प्रकट हुई है। सामाजिक पारिवारिक मर्यादा के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। तो ये जो चार मुख्य बिंदु हैं जिनका हमने अध्ययन किया, कौन कौन से हैं चार बिंदु? भरत की आत्मग्लानी एवं भ्रातृत्व भावना कवि का उद्देश्य रहा है चित्रकूट की राजसभा में। राम की शीलता एवं वचन प्रतिबद्धता दिखाना भी कवि का उद्देश्य है। केकई का पश्चाताप एवं मातृत्व परिष्करण, यह इसका मुख्य उद्देश्य हम कह सकते हैं। और सामाजिक पारिवारिक मर्यादा कैसे बनाई जाती है, कैसे बनी रह सकती है, इसका वर्णन भी कवि ने इसके अंदर सफलतापूर्वक किया है। धन्यवाद।